टेंडर्स महाराष्ट्र। आज के वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट का एज का इस्तेमाल करके लॉगिन करना देखेंगे। मैंने यहाँ एक्सेल शीट में लॉगिन आईडी और पासवर्ड टाइप कर लिया है और जो मेरा डीएससी का ये टोकन है उसे भी इंसर्ट कर लिया है। ये मेरी वेबसाइट है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि आप इस पे क्लिक नहीं कर सकते, इसे कट कर सकते हैं। हम आने वाले वीडियो में ये भी देखेंगे कि इस पे अगर हमने क्लिक कर दिया तो लॉगिन होता है या नहीं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करके इसे कट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इस पर एक सिंगल क्लिक करता हूँ। मेरे सामने यहाँ पर एक बॉक्स है जिसे मुझे फिल करना है लॉगिन आईडी से, यहाँ पर पासवर्ड से और यहाँ पे कैप्चा से। जो ई टोकन होता है उसका पासवर्ड अलग होता है और जो लॉगिन आईडी होती है उसका पासवर्ड अलग होता है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल वी करता हूँ, टैब की का इस्तेमाल करता हूँ मैं, और यहाँ पर मुझे पासवर्ड टाइप करना होता है या कॉपी पेस्ट भी किया जा सकता है। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। आप टाइप भी कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और इस पर माउस का बटन प्रेस करेंगे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं डबल टैप का इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पर कैप्चा फिल करता हूँ मैं, यहाँ पे UCH7C7। ये 100% चेक कर लेना होता है तीनों चीजें, उसके बाद प्रोसीड कर सकते हैं या फिर इंटर कर सकते हैं। मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम आया है, प्लीज इंटर वैलिड कैप्चा। तो इससे ये साबित हो गया कि अगर हम गलत डालेंगे तो ये काम नहीं करता है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से टाइप करते हैं UCH7C और फिर उसके बाद 7। अब मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर इंटर भी कर सकता हूँ। मैं इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन बटन आना बहुत जरूरी है। लॉगिन बटन आ गया है। यहाँ पर तीन चीजें दी हुई है, अगर ये तीनों में से एक भी चीज कम रही या कोई प्रॉब्लम रहा तो ये लॉगिन बटन नहीं आता है। सबसे पहले देखो जावा, तो जावा की हमने सेटिंग कर ली है। उसके बाद ड्राइवर, तो हमने ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लिया है और ई टोकन को इंसर्ट करना होता है तो हमने वो भी इंसर्ट कर लिया है। अब मैं ये लॉगिन बटन पे एक सिंगल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर जो मुझे पिन डालना है वो ई टोकन का पिन होता है। आप यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ से अगर ये चेक बॉक्स को ऐसा कर दिए तो हो जाए। अभी देखिए ये लॉगिन बटन इनेबल नहीं है। मैं यहाँ पर मेरा जो ई टोकन का पिन है वो 1 से 8 है, उसे यहाँ टाइप कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये बटन कैसे इनेबल हो जाता है। अब इंटर भी कर सकते हैं और उस पर क्लिक भी कर सकते हैं। मैं इंटर करता हूं। अब हम ये मेन पेज पर आ गए हैं। इस पेज पे आने के बाद हम टेंडर भर सकते हैं। इसे लॉग आउट करना बहुत जरूरी होता है तो मैं लॉग आउट कर लेता हूं बाहर निकलने के लिए। इस तरीके से देखिए हमने आज के वीडियो में ये देखा कि लॉगिन किस तरीके से करते हैं। एक बार आपको फिर से बतला देता हूं, लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर मैंने टाइप करके रखा है, इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करता हूं मैं, उसके बाद यहां पर कंट्रोल वी करेंगे, टैब की का इस्तेमाल करता हूं मैं, यहां पर कंट्रोल सी भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके इसे कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर कंट्रोल वी करेंगे, यहां पर क्लिक किया जा सकता है या फिर डबल टैब भी किया जा सकता है। यहां पर टी है, ये 3 है, ये बी है, ये 4 है, ये एच है, फिर ये 4 है। अच्छी तरीके से चेक कर लेना होता है, प्रोसीड भी कर सकते हैं और इंटर भी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर लॉगिन बटन आना बहुत जरूरी होता है, इससे पहले भी हमने बात की है इस तरीके की। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, 1 से 8 था मेरा पिन, ई टोकन का पिन मैंने टाइप कर दिया है। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं हमारे इस पेज पर। लॉग आउट कर देते हैं।
आने वाले वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर हम लॉग आउट करना भूल गए तो क्या प्रॉब्लम आती है।